All right, so let us start with a quick revision of what we have learned in the last session. So, pichle lecture mein we started with non-uniform circular motion. So, as you remember, agar aapke paas ek particle hai which is moving along the circumference of circle, but this time with varying speed. आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कमफेरेंस के अलोंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ चेंज इतना ही है दैट दिस टाइम स्पीड इज आल्सो चेंजिंग. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होगा ही, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट एट एवरी पॉइंट. तो इस केस में अगर आपको याद होगा, आपके पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आते हैं. एक होता है टूवर्ड्स सेंटर, जिसको आप बोलते हो रेडियल कंपोनेंट या सेंट्रीपिटल. एक होता है अलोंग टेंजेंट, जिसको आप बोलते हो टेंजेंशियल. तो क्योंकि इस केस में हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे AT एंड AR, तो AT मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड AR मतलब रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज A. इन दिस केस A इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर. तो UCM के केस में एक ही एक्सेलरेशन था, दैट वाज रेडियल एंड इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर. बट इन दिस केस यू हैव टू कंपोनेंट्स और उसका जो रिजल्टेंट है इट इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर. देन तो यही सब हमने यहाँ पे लिखा है पॉइंट बाय पॉइंट. यू हैव टू कंपोनेंट्स, यू हैव रेडियल कंपोनेंट एंड यू हैव टेंजेंशियल कंपोनेंट. तो रेडियल कंपोनेंट है और टेंजेंशियल कंपोनेंट है, राइट. और आपको याद होगा रेडियल कंपोनेंट कम्स फ्रॉम चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर टेंजेंट है. तो बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, हेंस दिस रेडियल कंपोनेंट इज कमिंग. तो रेडियल कंपोनेंट का सोर्स क्या है? चेंज इन डायरेक्शन. वेयर एज टेंजेंशियल कंपोनेंट कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम चेंज इन स्पीड. गुड. तो एज यू नो, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है एंड इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन यू हैव ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डज नॉट पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर. देन वी सॉ व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया? बिकॉज एज यू नो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है? इफ यू हैव एक्सेलरेशन, तो आपको ये याद होगा एफ इक्वल टू एम ए. अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स होना ही चाहिए. विदाउट फोर्स यू कैनॉट हैव एक्सेलरेशन. एंड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास एक एक्सेलरेशन था विच वॉज टूवर्ड्स सेंटर, मतलब टूवर्ड्स सेंटर एक फोर्स भी होना चाहिए और उस फोर्स को आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स. सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन. इन केस ऑफ UCM वी हैव एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, हेंस देयर मस्ट बी अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. और ये जो फोर्स था इसको हमने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स. और देन वी हैव रिटन डाउन इक्वेशंस. आपको पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर. तो एम वी स्क्वायर बाय आर मिल गया आपको फोर्स का इक्वेशन, एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी ओमेगा. अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में आपको सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है. और आपको याद है सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड सेंटर, मतलब सर्कमफेरेंस से अंदर की तरफ, इसका मतलब डायरेक्शन इज माइनस आर कैप. तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर आर कैप या फिर माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप या फिर माइनस एम वी ओमेगा आर कैप. दिस इज व्हाट यू हैव. देन हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आपको याद होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स. सूडो फोर्स मतलब ये फेक फोर्स है विच अपीयर्स टू एक्ट बट उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, एक्सटर्नल नहीं है ये. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि ये क्यों लेते हैं हम लोग, बिकॉज नॉर्मली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटेड. एग्जाम्पल भी बताया था मैंने आपको. द आइडिया इज कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं मोशन को देख रहा हूँ, मोशन को मेजर कर रहा हूँ. इफ आई एम एट रेस्ट, मैं रेस्ट पे हूं और मैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर कर रहा हूं, या फिर आई एम मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड आई एम मेजरिंग द मोशन ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट. तो दोनों ही केस में ऑब्जर्वर मतलब मैं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इधर एट रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप बोलते हो इनर्शियल या फिर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉज ऑफ मोशन कौन से तीन? पहला, बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा कब तक, जब तक आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। दूसरा, अगर आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दोनों के दोनों न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्योंकि सर्कुलर मोशन, चाहे वो यूसीएम हो चाहे वो नॉन यूसीएम हो, इट इज एक्सेलरेटेड। हमने अभी भी बोला ना, यूसीएम है तो भी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, राइट? तो देयर इज एक्सेलरेशन, मतलब ये जो मोशन है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये हो गया नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड। तो नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करते हो, यू एड एक्स्ट्रा फोर्स टर्म, जिसको आप बोलते हो सूडो फोर्स। यहां पे हमको वही करना है, हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स टर्म ऐड करना है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? क्योंकि इमेजिन अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स का टर्म है, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे बता देता हूं मैं, सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और आपने अभी अभी बोला कि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो देर इज अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। तो ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट टूवर्ड्स सेंटर जाना चाहिए, जा रहा है क्या? नहीं। व्हाट इट इज डूइंग, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। मतलब ये जो टूवर्ड सेंटर फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास और एक फोर्स है विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, दैट इज सूडो फोर्स, इसको हमने बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। गुड, तो यू मस्ट नो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम है विद ओनली चेंज इन डायरेक्शन। सेंट्रीपेटल में माइनस आर कैप आता है, सेंट्रीफ्यूगल में प्लस आर कैप आता है, दैट्स इट। देन वी स्टार्टेड विद एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, और उसमें हम पहला ही एप्लीकेशन देख रहे थे, दैट इज नथिंग बट व्हीकल अलोंग अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो द आइडिया हियर वॉज, हमारे पास एक रोड है, ट्रैक, यू हैव अ ट्रैक। सो व्हेन अ पार्टिकल, अगर पार्टिकल या व्हीकल, यहाँ पे पार्टिकल की जगह पे व्हीकल है, व्हेन अ व्हीकल मूव्स अलोंग अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल ट्रैक, दिस मोशन बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट? हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। क्योंकि जब जब सर्कुलर मोशन की बात होगी, अभी याद कर लो, अपने दिमाग में फिट कर लो, अगर सर्कुलर मोशन है तो कंपल्सरीली कौन सा फोर्स होना चाहिए? सेंट्रीपिटल। तो जब एक व्हीकल एक कर्व ट्रैक पे आ गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, और हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया तो यू सेड कि ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा मतलब कहाँ गिरेगा? टूवर्ड्स सेंटर। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वॉट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? मास। जहां जहां मास होगा वहां वहां पे ग्रेविटी होगा। तो हर एक फोर्स का सोर्स होता है, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। देन व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक व्हीकल है, लेट अस टेक सम व्हीकल व्हिच इज बेसिकली मूविंग ऑन दिस ट्रैक। तो मैं एक व्हीकल ले लेता हूँ, इमेजिन दिस इज अ व्हीकल। मुझे पता है व्हीकल कभी भी सर्कुलर शेप नहीं होता, अनलेस इट इज सम काइंड ऑफ हाइपर लूप, पता है ना हाइपर लूप, बुलेट ट्रेन की जगह पे जो रिप्लेसमेंट आ रहा है दैट इज हाइपर लूप। तो एनीवेज, डजंट मैटर। तो व्हेन यू हैव अ व्हीकल व्हिच इज मूविंग अलोंग पार्ट ऑफ अ सर्कल, राइट? अब क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है, मतलब ये सर्कुलर पाथ है, तो इसका सेंटर कहीं तो होगा, और आपको पता है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक के डिस्टेंस को आप बोलते हो रेडियस, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? गुड। तो हमारे पास एक व्हीकल है तो उसका मास भी होगा, मास इज एम। अब हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को डिस्क्राइब भी करेंगे और साथ में लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया बताना है। बेसिक आइडिया इज यू हैव अ व्हीकल व्हिच इज मूविंग अलोंग सर्कुलर ट्रैक, एंड इफ इट इज मूविंग अलोंग सर्कुलर ट्रैक इट बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड फॉर द व्हीकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हिच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हुआ तो क्या होगा, दिस व्हीकल विल बी थ्रोन अवे टेंजेंशियली। तो ये सब आपको पॉइंट बाय पॉइंट यू हैव टू मेंशन दिस। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट डिस्क्राइबिंग द सिस्टम। दिस इज द इजिएस्ट वे ऑफ राइटिंग डाउन एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स। पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो फिर उसको एक्सप्लेन करो। सो व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन अ व्हीकल, बेसिकली इन दिस केस व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल
सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, दिस मोशन इज सर्क्युलर मोशन, इज सर्क्युलर मोशन. एंड वॉट डू वी नो इज फॉर सर्क्युलर मोशन विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी. और अगर ये फोर्स नहीं हुआ तो क्या होगा? द व्हीकल विल बी थ्रोन अवे टेंजेंशियली. सो इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, the vehicle will be thrown off tangentially. अब हमको ऑलरेडी पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से. लेकिन बेसिक पैरामीटर्स आपको बताने पड़ेंगे, एम क्या है वो बताना पड़ेगा, आर क्या है वो बताना पड़ेगा, और ये व्हीकल मूव रहा है तो उसका स्पीड होगा वी. तो यू हैव टू फर्स्ट स्पेसिफाई, कंसिडर अ व्हीकल, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास एम moving with velocity v along curved track of radius of curvature r. So in this case, as you know, necessary centripetal force is given by force of friction. So in this case, required centripetal force is provided by force of friction. अब करना क्या है? नथिंग, जस्ट राइट डाउन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और जिनको पता नहीं, मैंने कल बताया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 11th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी देखा है, तो इफ यू डोंट नो डजंट मैटर, बट सेंट्रीपिटल फोर्स तो पक्का पता होगा. एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, ये होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. और नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको कल बताया था, मैं वापस बता देता हूँ. अगर आपके पास एक टेबल है या फिर एक रोड है बेसिकली, और इस रोड के ऊपर इफ यू हैव अ व्हीकल, सो लेट अस टेक अ व्हीकल ओवर हियर. तो इन दिस केस वेट mg ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्शन ऑन द रोड, और ये जो रोड व्हीकल के ऊपर रिएक्शन करेगा वो होगा n. So you have mg here and you have n over here, right? And under equilibrium, normal reaction is equal to mg. So what you will do is, sir, ये जो ऊपर का equation है, इसमें आप n के जगह पे mg substitute करोगे, but normal reaction is equal to mg. So from equation number one and two, what you will get is m v square by r equal to mu m g. m और m cancel out हो गया, तो v square will be equal to mu r g. तो v equal to under root of mu r g, equation number 3. इसको आप बोलते हो maximum possible speed. तो ये जो equation number 3 है, this equation number 3 is called as maximum possible speed. इसका मतलब अगर आपको safely turn लेना है
तो आपकी गाड़ी का स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा हुआ गए डायरेक्टली ऑफ द रोड, राइट। तो एंड रिमेंबर, जब भी आप इफ यू आर राइटिंग डाउन एन इक्वेशन, जो जो पैरामीटर आपने अभी तक डिफाइन नहीं किया पहले बता दो। अभी जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू म्यू एन, राइट। तो वी पता है हमको, यस हमने ऑलरेडी बताया ना, व्हाट इज वी स्पीड, व्हाट इज एम मास, व्हाट इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन म्यू डिड यू टेल एनीथिंग अबाउट म्यू, नो। तो बता दो व्हाट इज म्यू, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, गुड, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो इक्वेशन थ्री है, इक्वेशन थ्री इसको मैंने क्या बताया, इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर सेफ टर्न, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर अ सेफ टर्न, इससे ज्यादा हुआ तो गए काम से, राइट। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है म्यू पे, आर और जी पे। अब आर को चेंज हम नहीं कर सकते, एक बार रोड बन गया बन गया, यू कैन नॉट चेंज आर, यू कैन नॉट चेंज जी। अब म्यू का प्रॉब्लम क्या है कि म्यू पे भी डिपेंड नहीं कर सकते हो आप, व्हाई, क्योंकि म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आल्सो चेंजेस, कैसे, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन आएगा फ्रॉम टायर एंड रोड सरफेस, वेरी गुड। देन अगर गाड़ी का टायर पुराना है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, राइट, या फिर फ्रिक्शन की वैल्यू, टायर नया भी होगा तो भी फ्रिक्शन की वैल्यू एक मैक्सिमम लिमिट तक ले सकते हो, उसके ऊपर जा नहीं सकते, क्यों, अगर उसके ऊपर जाना है तो रोड को रफ बनाना पड़ेगा। और अगर आपको, आपको ऑफकोर्स पता होगा जिस कॉलोनीज में आप रहते हो, रेसिडेंशियल कॉलोनीज, उसमें नॉर्मली रोड्स आर मेड फ्रॉम सीमेंट कॉन्क्रीट, राइट, और वेयर एज हाईवे आर मेड फ्रॉम दैट, वो डामर का रोड बनता है वहां पे, राइट, वाई, और आपने देखा होगा वो सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड पे जब बनाते हैं ना तो उस पे वो लाइंस डालते हैं, हाँ, इट इज नॉट फॉर अ गुड टेक्सचर, अच्छा दिखना चाहिए इसके लिए नहीं होता है वो, इनफैक्ट दैट डजंट लुक वेरी गुड, लेकिन इट इज बिकॉज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, क्योंकि कॉलोनीज में मतलब रेसिडेंशियल एरिया में यू नो किड्स आर प्लेइंग ऑलवेज रनिंग अराउंड हियर एंड देयर, फिर कोई गाड़ी आया और सामने से बच्चा भाग के आ रहा है, गाड़ी ने ब्रेक मारा, फ्रिक्शन अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी स्लिप हो जाएगा, तो फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए वो किया जाता है, इट इज डन टू इंक्रीज फ्रिक्शन, राइट। तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि हम फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन कैसे बढ़ाओगे, रोड के सरफेस को रफ करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू मेक सरफेस ऑफ रोड इवन मोर रफ, बट देन इट कम्स एट अ कॉस्ट, जितना रोड का सरफेस रफ होगा उतना ही जल्दी आपका टायर जाएगा, मतलब इट विल कॉज वियर एंड टियर ऑफ द टायर, तो वो भी नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का एक लिमिट है, इसका मतलब ये जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है इसका एक लिमिट है। देन हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं स्पेशली ऑन हाईवेज, तो हमारा स्पीड, आई डोंट थिंक कि एक्सप्रेस हाईवे पे कोई भी 80 या 100 किलोमीटर से कम पे चलाता होगा, तो व्हेन यू टेक अ टर्न, और अगर हम अगर फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड किए, और ऊपर से अगर बारिश का टाइम होगा तो टायर और रोड सरफेस के बीच में पानी है, मतलब वो फ्रिक्शन को और भी कम कर देगा, तो यू कैनॉट कीप ऑन रिलाइंग ऑन दिस फैक्टर, तो इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। तो देयर आर सम थिंग्स, और ये सब कुछ मैंने नोट्स में लिख के रखा है, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन देयर कि अगर आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड का वैल्यू बढ़ाना है तो फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन बढ़ाओगे तो रोड का सरफेस रफ करना पड़ेगा, अगर वो करोगे तो इट कम्स एट अ कॉस्ट, वियर एंड टियर ऑफ द टायर, तो टायर जल्दी से जल्दी खराब होगा आपका। नंबर टू, इन केस ऑफ रेनी सीजन देयर इज वाटर बिटवीन रोड एंड टायर सरफेस, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड विल बिकम लेस। तो नाउ एप्लीकेशन नंबर टू ऑफ सर्कुलर मोशन, ये एप्लीकेशन नंबर वन था, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल, दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा रोड है, राइट। अब व्हेन यू हैव हॉरिजॉन्टल रोड, और अगर टर्न आया तो टर्न पे भी आपका ये हॉरिजॉन्टल ही है, इट इज हॉरिजॉन्टल, देन उसका प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये जो स्पीड लिमिट है
मुझे टर्न लेना है तो हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि नहीं मेरा स्पीड लिमिट तो इतना ही हो सकता है, राइट। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट, जब टर्न आएगा ना तो हॉरिजॉन्टल की जगह पे रोड को थोड़ा ऊपर उठा देना। अगर आपने फॉर्मूला वन देखा होगा कभी या फिर आप एक्सप्रेस हाईवे पे गए होंगे तो जब टर्न आता है तो रोड इज स्लाइटली रेस्ड अप, तो इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट इज व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, नंबर टू, एप्लीकेशन नंबर टू, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, ऑन अ बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड या बैंक ट्रैक एक ही बात है। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बेसिक चीज है। और क्या कर रहे हैं हम लोग, बैंकिंग क्यों करना है, रोड को ऊपर क्यों उठाना है, वो समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम पहले समझ में आया आपको, प्रॉब्लम है कि फ्रिक्शन की वैल्यू आप एक लिमिट के ऊपर नहीं लेके जा सकते। मतलब आप सर्कुलर ट्रैक पे सिर्फ फ्रिक्शन के भरोसे पे नहीं रह सकते। अगर रहे तो गए, बारिश के दिन में तो पक्का गए, राइट। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट, अब जब टर्न आया, अभी तक हमारा जो रोड था वो ऐसा था, अब क्या होगा, जब टर्न आएगा तो हम इस रोड को क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे। मतलब हम रोड के आउटर एज को, ये रोड का आउटर एज है, ये रोड का इनर एज है, तो हम रोड के आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज। इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले वी विल मेंशन व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, सो एंड देन वी विल सी कि ये बैंकिंग करने से क्या चेंज हो गया। सो बैंकिंग ऑफ रोड पहले समझ लेते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। और बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी पता है, आपको ये पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाना, यू कैन गो अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, आप इसको बढ़ाते नहीं जा सकते, राइट, यू कैन नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। और दूसरा प्रॉब्लम था रेनी सीजन का, तो वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो पहले प्रॉब्लम समझेगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। सो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, द प्रोसेस ऑफ, हमने क्या किया, हमने क्या किया, आउटर एज को, किसके आउटर एज को, रोड के आउटर एज को रेस कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज। इसको क्या बोलेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड, इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। अब जब आप रोड के आउटर एज को ऊपर उठा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो यहां पे एक एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग, राइट। द एंगल मेड बाय द रोड, कौन सा रोड था, बैंक्ड रोड था। द एंगल मेड बाय द बैंक्ड रोड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, क्योंकि डायरेक्शन कौन सा है, ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन मतलब कौन सा, हॉरिजॉन्टल, और वाई डायरेक्शन मतलब कौन सा, वर्टिकल। तो याद रखना, जब मैंने बोला हॉरिजॉन्टल मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज एक्स। तो ये जो बैंक्ड रोड ने एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ बैंकिंग। तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग फर्स्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डिफाइन फॉर वन मार्क व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, डिफाइन व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग। तो लेट अस डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग फर्स्ट, एंगल ऑफ बैंकिंग। So how do you write this? Very simple. The angle made by, किसने बनाया angle? Banked road ने. With respect to horizontal, is called as angle of banking. So the angle made by, the banked road with respect to horizontal, with respect to horizontal is known as angle of banking, is known as angle of banking।
नाउ इंटरेस्टिंग, ये रोड की सरफेस को ऊपर उठाने से क्या होगा? यू सी, अगर आप पिछला केस देखोगे तो पिछले केस में नॉर्मल रिएक्शन वॉज इक्वल टू एम जी, मतलब स्ट्रेट अवे नॉर्मल रिएक्शन ने वेट को बैलेंस कर दिया। अब अगर मेरे पास व्हीकल है यहाँ पे, गुड, मैं वापस बता रहा हूँ, व्हीकल का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं होता है, ये मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, रिमेम्बर दिस, नहीं तो बोला कि ऐसी गाड़ी तो कभी देखी नहीं, आगे से देखा तो सर्कल दिखता है, राइट। सो नाउ व्हाट यू मस्ट नो इज ऑन दिस बैंक रोड ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, कि फोर्स कहाँ कहाँ पे और कौन कौन सा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है, एक तो एम जी, ग्रेविटी तो एक्ट करने ही वाला है ना, और एम जी क्या कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेरी गुड, तो एम जी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नंबर टू नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे आप जिस बेंच पे बैठे हो, बेंच आपको परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा नॉर्मल होता है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल। तो ये आ गया आपका नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। सो हियर यू हैव नॉर्मल रिएक्शन एन। तो देखो क्या चेंज हुआ, पिछले केस में मतलब जब हमने बैंकिंग नहीं किया था तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ था और एम जी डाउनवर्ड्स था, मतलब नॉर्मल रिएक्शन वॉज बैलेंसिंग एम जी, बट इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट वर्टिकली अप, इट इज इंक्लाइंड, ये कहीं और ही पॉइंट कर रहा है, एम जी स्टिल डाउनवर्ड्स। अब इस स्टेप के आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। अब ऐसा है, अगर मेरे पास ये एक लाइन है, लाइन नंबर वन, और ये लाइन नंबर टू, और अगर मैं दो और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, उसमें से एक लाइन जो है वो लाइन नंबर वन को परपेंडिकुलर है और लाइन नंबर टू को परपेंडिकुलर दूसरा लाइन है, राइट। यू सी, ये जो लाइन नंबर थ्री है ये किसको परपेंडिकुलर है, वन को, और ये फोर किसको परपेंडिकुलर है, टू को। अगर लाइन वन और लाइन टू में एंगल थीटा होगा, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, देन द एंगल बिटवीन टू अदर लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस इज ऑल्सो थीटा, मतलब ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। हाँ, तो ये पता होना चाहिए आपको, दो लाइंस में अगर एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इफ यू नो दिस, अगर आपको इतना पता है तो यू शुड नो, यू मस्ट नो दिस एंगल इज वॉट, थीटा, राइट। अब एक काम करेंगे, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, राइट। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, गुड। देन इसको थोड़ा एक्सटेंड ही कर लेता हूं बिकॉज आई नीड टू शो सम कंपोनेंट्स। अब ऐसा है, व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस, यहां पे यू हैड एम जी विच इज डाउनवर्ड्स, तो इसको ऐसा दिखा देते हैं, फाइन, गुड। देन ये था आपका नॉर्मल रिएक्शन ओवर हियर, ये नॉर्मल रिएक्शन था। अब आपको पता होना चाहिए वापस मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाउ डू यू डिफाइन कॉस थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है दैट इज कॉस कंपोनेंट। नॉर्मल रिएक्शन का ये जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकली अप, ये एंगल को लग के है, एडजेसेंट है, तो ये कौन सा आएगा, एन कॉस थीटा। याद रखना, एक फोर्स को आप नॉर्मल रिएक्शन से फोर्स, एक फोर्स को आप हमेशा दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो, एक होता है कॉस कंपोनेंट, एक होता है साइन कंपोनेंट, और कॉस कंपोनेंट इज ऑलवेज एडजेसेंट टू द, एडजेसेंट है ना ये बाय डेफिनेशन। तो यू हैव एन कॉस थीटा देयर, और इसका दूसरा कंपोनेंट इज एन साइन थीटा जो यहाँ पे आएगा, क्योंकि एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, गुड, राइट। पिछले केस में ऐसा कुछ नहीं था, पिछले केस में एन इक्वल टू एम जी था, पर यहाँ पे एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन साइन थीटा ये कहाँ कहाँ जा रहा है, यू सी,
ये था रोड, टर्न टर्न, और टर्न पे आपने क्या किया, रोड को ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया, याद रखना। अभी वो थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये रोड था आप, और इसका सेंटर कहाँ था, हियर, आपने इसको ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया मतलब ऐसा हो गया, राइट, ऊपर उठाना, और एन साइन थीटा, एन साइन थीटा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हियर। इमेजिन इमेजिन इमेजिनेशन, यू विल नीड स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन हियर, क्यों, क्योंकि हम 2D सरफेस में है और हम 3D दिखा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज रोड, करेक्ट, ये रोड है, कर्वेचर आया, टर्न आया रोड का, सेंटर कहाँ पे है, टुवर्ड्स मी, करेक्ट, राइट, दिस इज रोड, सेंटर इज टुवर्ड्स मी, इसको ऊपर उठा दिया मैंने, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, इट इज एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा कहाँ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स मी, लेकिन मैं क्या था, सेंटर ऑफ रोड, लेकिन सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल, हाँ, तो एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर यहां तक, वेरी गुड। तो अब इसको जो कुछ आपने समझा है, पहले इसको लिखना पड़ेगा, और अच्छे से लिखना है हमको। सी व्हाट वी विल डू इज ऑलवेज रिमेम्बर, स्टार्ट ऑफ विद डायग्राम, डिफाइन व्हाट इज नेसेसरी। अब आपको बताना पड़ेगा कि ऑन अ बैंड रोड इस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दो फोर्सेस है, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक एमजी, और नॉर्मल रिएक्शन के आप दो पार्ट्स करने वाले हो, तो पॉइंट बाय पॉइंट ऑन अ बैंड रोड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल आर, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बैंड रोड, ऑन अ बैंड रोड आर, देयर आर टू फोर्सेस, नंबर वन एम जी विच इज वेट ऑफ द बॉडी पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एम जी पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, या तो आप बोल सकते हो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स भी बोल सकते हो, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। दूसरा कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन एन विच इज नॉर्मल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, विच इज नॉर्मल टू द रोड, विच इज नॉर्मल टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसके हमने क्या किए, दो पार्ट्स कर लिए, तो एन कैन बी रिजॉल्व, एन कैन बी रिजॉल्व इंटू टू पार्ट्स, इंटू टू पार्ट्स, पार्ट नंबर वन ये है एन कॉस थीटा, ये क्या कर रहा है, बैलेंसिंग एम जी, विच बैलेंसेस एम जी, विच बैलेंसेस एम जी, तो मैं लिख दूंगा एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा पार्ट एन साइन थीटा, एन साइन थीटा ये क्या कर रहा है, विच प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, विच प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, देयर फोर यू कैन राइट डाउन एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस टू, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर टू बाय वन, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर टू बाय इक्वेशन नंबर वन, यू विल गेट एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर अपॉन एम जी, एन एन गया, एम एम गया, यू हैव टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी, सो देयर फोर टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी, ये इक्वेशन नंबर थ्री हमारे बहुत काम की चीज है, राइट, व्हाई, बिकॉज मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपने बैंकिंग नहीं किया, तो अगर आपको टर्न लेना है, सेफली टर्न लेना है, तो यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब आप फ्रिक्शन के भरोसे हो, फ्रिक्शन गया तो आप गए गए गए,
फिर वापस मिलना होगा कि नहीं पता नहीं, राइट। देन इसका कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बैंकिंग। अब जिसको हम मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड बोल रहे थे, कौन से केस में? अनबैंक रोड के केस में। अब जो इक्वेशन आएगा स्पीड का, उसको बोलेंगे मोस्ट सेफ स्पीड। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मोस्ट सेफ स्पीड। मैं इसको मोस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम है, इट इज इन बिटवीन। तो मोस्ट सेफ स्पीड, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस पे से आप लिख सकते हो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा। सिर्फ ये आर जी को शिफ्ट कर दिया, तो यहां से आपको मिल गया वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, राइट। इक्वेशन नंबर 4, इसको बोलते हो मोस्ट सेफ स्पीड। नाउ यू सी, जब हम अनबैंक रोड पे थे, तो अनबैंक रोड पे अगर आपको टर्न लेना है तो यू वेर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्शन, राइट। अब हमने बैंकिंग करने के बाद फ्रिक्शन की बात ही नहीं की अभी तक। अगर फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो भी यू कैन टेक टर्न सेफली, है क्या फ्रिक्शन यहाँ पे? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। फ्रिक्शन जब आएगा तब आएगा, अब फिलहाल तो हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। फ्रिक्शन फ्रिक्शन अपोजिशन, यू ऑल्सो हैव टू अपोज योर हैबिट ऑफ स्लीपिंग, राइट। देन यू सी, अब अगर फ्रिक्शन नहीं भी है, इवन दो देर इज नो फ्रिक्शन, यू कैन स्टिल टेक टर्न सेफली। बट अगर मैं बैंकिंग नहीं करता, बैंकिंग नहीं करता मतलब एंगल क्या आता? जीरो। अगर जीरो आता तो यहाँ क्या डालते? जीरो। व्हाट इज टेन जीरो? जीरो मतलब 20, 0 मतलब गाड़ी साइड में लगा और वहीं पे बैठ जाओ, यू कैन नॉट टेक टर्न, गुड। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए दैट ओनली बाई रेजिंग, सिर्फ रोड को थोड़ा सा ऊपर उठाने से अगर फ्रिक्शन नहीं भी हुआ, इवन देन यू कैन टेक टर्न सेफली। अब इसमें दूसरा पार्ट है, समटाइम्स एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं विच आर रिलेटेड टू एंगल ऑफ बैंकिंग। तो हमको एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला चाहिए, तो एंगल ऑफ बैंकिंग बहुत सिंपल है ये, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बोलना है इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी सी दैट टैन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर जी, देयरफॉर थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग का इक्वेशन, खत्म। दैट्स ऑल यू नीड टू नो, गुड। तो आपको इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट, गुड। तो हाउ डू यू फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग? इज टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है तो फिर आपका जो मोस्ट सेफ स्पीड होगा वो होगा वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इसका मतलब ये आर कॉन्स्टेंट, सर्कुलर ट्रैक बनने के बाद रेडियस तो चेंज नहीं होगा, एक बार ट्रैक बन गया बन गया, जी कांस्टेंट, रोड बन गया, तो एंगल ऑफ बैंकिंग भी फिक्स हो गया। मतलब ये जो वी है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। एग्जांपल ले सकते हो, मान लो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 100 मीटर है, इमेजिन जी की वैल्यू 10 ले लो, 100 × 10 इज 1000, राइट। टेक सम वैल्यू एंगल ऑफ बैंकिंग 45 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल, इतना तो नहीं होता है वैसे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल। 10 45 इज 1, तो ये आ गया 100 × 10 1000, 1000 का रूट इज 10 √10, मतलब योर स्पीड शुड नॉट बी लेस देन और ग्रेटर देन 10 √10। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टर्न आया तो आपकी गाड़ी के एक्सलेटर को अटका देना पड़ेगा वहां पे, फिक्स इट, क्योंकि उससे कम हुई या उससे ज्यादा हुई तो आप गए काम से। मतलब दिस इज अ फिक्स वैल्यू, ऐसा चलता है क्या? गाड़ी को टर्न ले रहे हो तो हम क्या बार बार स्पीडोमीटर पे देखेंगे, आगे देखेंगे नहीं कुछ है कि नहीं? नहीं, 10 √10 ही चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब हमको स्पीड लिमिट्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे, मतलब लोअर लिमिट कितना और अपर लिमिट कितना, मतलब कम से कम कितना स्पीड हो सकता है टर्न लेने के लिए,
और मैक्सिमम कितना हो सकता है, दोनों ही देखना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड लिमिट्स। हाँ बोलते ना बी विथ इन योर लिमिट्स, तो लेट अस लुक एट स्पीड लिमिट्स। पहले हम देख लेंगे नंबर वन लोअर लिमिट। अब ऐसा है आइडियली अगर फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शन नहीं था, अब लाना पड़ेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब नहीं था तो आपको अगर टर्न लेना है तो आपका स्पीड इतना ही होना चाहिए, कितना, अंडर रूट ऑफ आरजी टैन थीटा। बट व्हाट इफ योर व्हीकल इज मूविंग एट स्पीड लेस देन दिस, तो होगा क्या, पहले वो समझ लो। होगा ये रोड है एंड देन यू हैव योर व्हीकल, और स्पीड कम हुआ तो वो ऐसा नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो लाइक दिस। स्पीड कम हुआ तो वो ऐसा जाएगा अंदर की तरफ, राइट। तो द व्हीकल विल स्टार्ट स्किडिंग, कहां पे, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि वहां पे तो बैंकिंग किया ना आपने, है ना, आउटर एज को ऊपर उठाया था ना। तो जब टर्न आएगा और आपने स्पीड ही नहीं दिया कुछ, एकदम स्पीड कम कर दिया, तो क्या होगा, यू विल बी फॉलिंग डाउन, डाउन मतलब टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ बैंकिंग, राइट। तो इस केस में फ्रिक्शन हेल्प करेगा हमको, और आपको याद होना चाहिए 11 का बेसिक्स अगेन, फ्रिक्शन इज फोर्स ऑफ अपोजिशन। याद है क्या फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अपोजिशन। क्यों, एग्जाम्पल फिजिक्स इज ऑलवेज, फिजिक्स समझना है तो एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो एग्जाम्पल इज दिस, अगर हमारे पास एक टेबल है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है विच इज मूविंग, राइट, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मोशन का डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां होता है, अपोजिट टू मोशन। तो यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू मोशन, करेक्ट। तो जब मैंने बोला कि अगर मेरा स्पीड, मतलब मेरा मतलब व्हीकल का स्पीड, राइट, अब यहां पे हमने स्पीड को क्या नाम दिया है, v, तो अभी नाम चेंज कर लेंगे, अब बोल देंगे v1। अगर ये v1 मोस्ट सेफ स्पीड से कम हुआ, मतलब इफ इट इज लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, राइट। अब ये नोट्स में रूट प्रिंट नहीं हुआ है तो वो मैं बता दूंगा करेक्शन, इफ योर स्पीड इज लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, मतलब योर व्हीकल विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द बैंकिंग पॉइंट ऑफ बैंकिंग, मतलब वो अंदर की तरफ आने लगेगा, अंदर की तरफ आने लगेगा, मतलब व्हीकल कहाँ मूव रहा है, अंदर की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब व्हीकल कहाँ मूव कर रहा है आपका, ध्यान दो, क्विक, पे अटेंशन हियर फास्ट, राइट। द थिंग इज, अगर आपका स्पीड, इफ योर स्पीड इज लेस, इसका मतलब द व्हीकल इज स्किडिंग, कहां जा रहा है व्हीकल, इट इज स्किडिंग हियर, बराबर, इट इज फॉलिंग डाउन। सब कुछ इमेजिनेशन पे ही डिपेंड करना पड़ेगा आपको, ऐसा रोड है आपका, स्पीड कम हुआ तो व्हीकल कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, फ्रिक्शन कहां होगा, ऊपर की तरफ, वेरी गुड। तो अब इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो हम लोग डायग्राम ही ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट यू हैव, ये है आपका बैंक रोड एंड यहाँ पे आपका था एक व्हीकल, यू हैड अ व्हीकल ओवर हियर। इन दिस केस यू ऑलरेडी नो दिस इज एमजी, दिस इज एमजी एंड राइट। तो व्हाट यू हैव इज ऑलरेडी आपको पता है दिस इज mg एंड व्हाट यू नो इज नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है n, और आपको ऑलरेडी पता है कि ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा था और ये था n cos थीटा, और आपको ये भी पता है कि यहां पे था n sin थीटा, वेरी गुड। नाउ
सिर्फ इतना चेंज हो गया अब इस केस में दैट बिकॉज आपका स्पीड जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है, कम है ना, लेस देन है, लेस देन है मतलब योर व्हीकल इज स्किडिंग डाउन, व्हीकल ये नीचे आने लग गया डायरेक्टली। अगर ये नीचे आएगा तो कौन रोकेगा उसको? फ्रिक्शन रोकेगा, फ्रिक्शन विल स्टॉप दिस व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग। मतलब फ्रिक्शन कहाँ पे है? इधर है, यहाँ पे। और आपको याद होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर, वेक्टर को आप जहां चाहो वहां ड्रॉ कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो। मतलब फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहां पे भी दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स को मैं आई कैन ऑल्सो शो फ्रिक्शनल फोर्स हियर ऑल्सो, यहां भी दिखा सकते हैं, नो इश्यूज। सिर्फ इट शुड बी पॉइंटिंग अप, इट शुड बी अलोंग द प्लेन, इट शुड बी अलोंग द बैंकिंग बट अपोजिट टू दैट ऑफ बैंकिंग। मतलब इट शुड बी पॉइंटिंग अप द प्लेन। ये आ गया आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया आपका। देन जैसे आपने नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट किए, वैसे ही आप फ्रिक्शनल फोर्स के भी कंपोनेंट करोगे। एडिशनली आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इच अदर, वेरी गुड। इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना था? 90, तो ये कितना आ गया? 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। इसका मतलब अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसा, गुड, रिमेंबर दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन 90, तो दिस इज गलत जवाब, थीटा, इट इज थीटा। वापस बताता हूं मैं, लुक, या फिर उससे भी इजी काम कर देते हैं आपके लिए। हैव यू हर्ड समथिंग कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो ये एंगल, और अगर मैं ये लाइन यहां ड्रॉ करता तो ये एंगल सेम होता क्या? ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। अगर ऐसा आप बोल रहे होगा तो फिर यू शुड नो कि ये एंगल भी थीटा ही होगा, बिकॉज दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है, एंगल को लग के कंपोनेंट को क्या नाम दिया था आपने? कॉस। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? कॉस। किसका कॉस? फ्रिक्शन का कॉस, राइट। अब ये कॉस है तो फ्रिक्शन का साइन कहां गया फिर? ऊपर की तरफ। तो यू हैव ओवर हियर, यहां पे आपको मिल गया फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट, एफ एस साइन थीटा, गुड, क्लियर यहां तक? देखो इसमें और पिछले केस में डिफरेंस क्या है, इसमें और पिछले केस में इतना ही डिफरेंस है कि यहां पे आपका जो स्पीड जितना होना चाहिए था उससे कम है, उससे कम है तो व्हीकल अंदर की तरफ गिरने लगेगा, तो उसको बचाएगा कौन? फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ने कितना एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट कर दिए, एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, क्लियर यहां तक? वेरी गुड। अब यू सी mg को बैलेंस करने के लिए दो चीजें है, कौन कौन? एफ एस साइन थीटा एंड n cos थीटा। तो नाउ हम लिखने का काम बाद में कर लेंगे, पहले इक्वेशन समझ लेते हैं। तो नाउ व्हाट यू हैव इज एफ एस साइन थीटा प्लस n cos थीटा, दे आर टुगेदर बैलेंसिंग mg, इक्वेशन नंबर वन। एंड ऑफकोर्स सेंट्रीपिटल, सेंटर कहां था? सर्कल का सेंटर कहां था? यहां पे था, करेक्ट, इट वॉज हियर, राइट। सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन कहां था? यही था ना। तो पिछले केस में जब फ्रिक्शन की बात नहीं की थी तो हमने क्या बोला था? n sin theta is providing centripetal force। अब इस केस में n sin theta minus, क्यों minus? क्योंकि fs cos theta कहां पे है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या बोलोगे? इस केस में बोलोगे कि n sin theta minus fs cos theta is providing centripetal force, राइट। लेकिन वेलोसिटी को नाम क्या दिया था आपने? V1, इक्वेशन नंबर टू। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि जब आप सिर्फ बैंकिंग कर रहे हो
उस केस में एन कॉस थीटा इज बैलेंसिंग एम जी एंड एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर। वहां से मिल गया वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, दैट इज मोस्ट सेफ स्पीड। लेकिन रियल लाइफ में आप टर्न लेते वक्त कॉन्स्टेंट स्पीड पे होते नहीं हो, आपका स्पीड कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट स्पीड लिमिट, मतलब कम से कम मैं कितना जा सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं कितना जा सकता हूँ, सो दैट आई कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो इन दिस केस जब आपका स्पीड आपके रिक्वायर्ड स्पीड से, मोस्ट सेफ स्पीड से कम हो गया, मतलब योर व्हीकल इज गोइंग डाउन, डाउन मतलब टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ बैंकिंग, इनर एज की तरफ, है ना, करते हो ना स्लोप पे ऑब्जेक्ट को रख देते, कहाँ जाता है, नीचे जाएगा। तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ था, ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन ने कितना एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, थीटा। तो इस फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा और एन कॉस थीटा ऊपर है, एम जी कहाँ है, नीचे है। तो इन दोनों ने मिलकर किसको बैलेंस कर दिया, एम जी को। अब है तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी वन स्क्वायर बाय आर होना ही चाहिए, और वो कहाँ होता है, सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ कौन है, एन साइन थीटा। लेकिन वेट अ मिनट, पीछे भी कोई है, तो एन साइन थीटा माइनस इज प्रोवाइडिंग, वही तो लिखा है, व्हाट व्हाट, मैंने कुछ और तो लिखा नहीं है, इट इज द सेम थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। तो ये आ गया आपके पास। अब रिपीट द सेम स्टेप, डिवाइड इक्वेशन टू बाय इक्वेशन नंबर वन, वही किया था, वापस कर लो। तो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, डिवाइड कर लो एफ एस, हाँ ठीक है, चलो टू को वन से डिवाइड कर लिया, वैसा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल गेट एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। बराबर देख के करना, नहीं तो ऊपर नीचे कर दोगे। हाँ, एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा एम वी वन स्क्वायर बाय आर, करेक्ट है, कैंसल एंड कैंसल। तो अब यू शुड नो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, यू मस्ट नो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स एफ एस इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस, बट एफ एस इज म्यू एन, म्यू एन कॉस थीटा अपॉन एफ एस मतलब म्यू एन साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाय आर जी, करेक्ट, एम तो कैंसल हो गया था। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अभी इतना अच्छा दिखता नहीं इक्वेशन, इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे, है ना, हमारा फोटो अच्छा दिखता नहीं तो क्या करते हैं, फिल्टर डालते हैं, कुछ तो डिलीट करते हैं। तो डिलीट करेंगे, डिलीट क्या करेंगे, एन कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे, इफ यू टेक आउट एन कॉस थीटा कॉमन। लेकिन यहाँ पे पहले टर्म में एन तो था, कॉस था क्या, नहीं, जबरदस्ती कॉमन निकाला है, तो जबरदस्ती कॉमन निकाला है तो उसको एडजस्ट कर लो साइन थीटा बाय, क्योंकि जब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एन साइन थीटा, करेक्ट। यहाँ पे क्या बचेगा, न्यू, वेरी गुड, अपॉन, यहां से भी आपको एन कॉस थीटा कॉमन निकालना है। लेकिन था क्या यहाँ पे, एन था, म्यू तो है ही, साइन है और कॉस था नहीं, फिर भी कॉमन निकाल लिया, तो डिवाइड कर लो। जब वापस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो एन म्यू थीटा, एन म्यू थीटा, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या आएगा, वन, क्योंकि एन कॉस थीटा इज कॉमन, वी वन स्क्वायर बाय कैंसल एंड कैंसल, व्हाट इज साइन बाय कॉस, वेरी गुड। तो यू हैव टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू टैन थीटा प्लस वन इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाय आर जी, देन यू विल गेट वी वन स्क्वायर इक्वल टू, आर जी को शिफ्ट कर दो, आर जी को शिफ्ट कर दिया तो आपको मिलेगा टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू
टैन थीटा। अगर आपको वी वन चाहिए तो अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू टैन थीटा, ये मिल गया आपको लोअर लिमिट मिनिमम सेफ स्पीड, इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम हो तो सीधा रोड से नीचे, राइट। अब लेट अस चेक सही है कि नहीं। अगर एंगल ऑफ बैंकिंग है ना, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, राइट। अगर एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं होता मतलब थीटा जीरो होता, व्हाट इज टैन जीरो, जीरो, राइट। क्या बचेगा ऊपर, म्यू की माइनस म्यू माइनस, ओके। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, इफ म्यू इज जीरो, म्यू जीरो, ये भी जीरो, तो क्या बचा ऊपर टैन थीटा, नीचे क्या बचा वन, तो क्या आया अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा पहले ही बोला है हमने, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, राइट। तो इक्वेशन इज करेक्ट, राइट। सिर्फ चेक क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो गए, तो योर टास्क इज टू वेरीफाई वंस, एक बार खुद को चेक करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्सेस के डायरेक्शन सेम है कि नहीं, थीटा ये थीटा है कि नहीं, आइडली तो थीटा होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा, तो ये आएगा एफ एस कॉस थीटा, ये आएगा एफ एस साइन थीटा, तो एफ एस साइन थीटा और एन कॉस थीटा ने एम जी को बैलेंस किया, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर, डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया एम वी वन स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, बट फ्रिक्शनल फोर्स इज न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, सब्सटीट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद n cos थीटा को कॉमन निकालो, n cos थीटा को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकालो, कैंसल आउट कर दो, कैंसल आउट होने के बाद यू विल हैव tan थीटा माइनस म्यू अपॉन म्यू tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू v1 स्क्वायर बाय rg, तो v1 स्क्वायर इज rg tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, तो v1 इज अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। इक्वेशन सही है कि नहीं चेक करना होगा, तो म्यू की वैल्यू जीरो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यू शुड गेट दिस इक्वेशन अगेन, और आपको मिलता है वो, पुट म्यू इक्वल टू जीरो, यू अगेन गेट वी वन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। तो सो फार टुडे व्हाट वी हैव डन, आज हमने देखा व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, क्यों बैंकिंग करना पड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम है टर्न आया, अगर आपका रोड हॉरिजॉन्टल ही है मतलब उसको बैंक नहीं किया है, तो यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन म्यू, म्यू गया तो आप गए, डन, राइट। देन ओनली बाय रेजिंग, हमने आउटर एज को रेज कर लिया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो फोर्सेस के कंपोनेंट चेंज हो गए, तो नाउ एन इज नॉट डायरेक्टली बैलेंसिंग एम जी, बट एन कॉस थीटा बैलेंसिंग एम जी एंड एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स, तो वहां से हमको मिल गया v इक्वल टू RG tan theta under root के अंदर, इसको हमने बोला मोस्ट सेफ स्पीड, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड है, हम टर्न लेते वक्त हमेशा ये नहीं देखेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट का भी काम बढ़ जाएगा ना, NHAI का है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको भी लिखना पड़ेगा, नहीं अभी इस टर्न पे तुमको 50 रखना है, उस टर्न पे 70 रखना है, राइट। हाँ तो फिर वो प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट गो विथ कांस्टेंट स्पीड, राइट। हम सिटी के अंदर स्पीड लिमिट नहीं फॉलो करते तो हमसे हाईवे पे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट कीप इन माइंड कि टर्न लेना है तो सेफ स्पीड पे ही चलना है, तो ठीक है थोड़ा फ्रिक्शन की हेल्प ले लेंगे, तो फ्रिक्शन की हेल्प लेंगे मतलब अगर स्पीड कम भी हो गया हमारा तो गाड़ी रोड के अंदर नहीं गिरना चाहिए, तो बिकॉज द व्हीकल विल स्टार्ट स्किडिंग डाउन, फ्रिक्शन बचा लेगा, फ्रिक्शन बोलेगा वेट अ मिनट आई एम देयर टू हेल्प यू, फ्रिक्शन इज अपोजिट ऊपर की तरफ, दो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट, और इसके आगे का आपको पता ही है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।